टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। आप अपना जो भविष्य कल चाहते हो उसको बनाने की अपॉर्चुनिटी बेटा आज है। आज वो अपॉर्चुनिटी है जिससे आप वो भविष्य बना सकते हो जो आप बनाना चाहते हो। मैं अभी देख रहा था, अभी की बात है, आज ही की रिसेंट, कि 12th क्लास के बच्चे अभी भी अपनी प्रिपरेशन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं। उनको लगता है कि कोई माता रानी का चमत्कार होगा या ऊपर वाले की कोई कृपा बरसेगी जिसकी वजह से ये 12th क्लास में ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। हाँ, इनको कोविड के भरोसे अभी भी बैठे हुए हैं। भगवान जाने इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है तुम लोगों में। अभी भी तुम लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। और टुमारो यू वांट, तुम लोग पता क्या चाहते हो कि हमारी 12th में 90% बन जाए आराम से, फिर उसके बाद CUET भी अपने आप निकल जाए, उसके बाद हमारा DU जैसे अच्छे वाले कॉलेज में या IIM जैसे कॉलेज में अपने आप एडमिशन भी हो जाए। सबका ऐसा ही सपना है। पता नहीं कैसे ये हो, कैसे रहा, ये इतनी नॉलेज इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है तुम लोगों के पास। तुम लोग ये सोच रहे हो कि मुझे फसल बीजनी भी ना पड़े खेत में, उसमें पानी भी ना लगाना पड़े, खेत की सिंचाई भी ना करनी पड़े, फसल काटनी भी नहीं पड़े और फसल अपने आप घर में आ जाए। इस लेवल का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा तुम लोगों के पास, ये तुम ही लोग सोच सकते हो, मुझे तो नहीं पता। तो भाई लोगों, आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जो 12th क्लास का रिजल्ट आप चाहते हो ना, उसको पाने के लिए अभी से मेहनत चालू कर दो। बाद में वक्त नहीं रहेगा हाथ में, अभी भी वैसे वक्त हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक का टाइम तो है ही है अपने पास। उतने दिन तक तो हम कोशिश करके पढ़ ही सकते हैं ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट को पा सकें। एक्चुअल में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सब लोग रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट हम इंस्टेंट चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि आज हम पढ़ें और कल हमारे नंबर आ जाए, आज हमें कुछ करें, मेहनत करें, कल ही उसका फल दिखने लगे। तुम्हें लगता है कि आज बस मेहनत करो तुरंत हमें दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। बड़ी चीज़ें होने में, सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। आज से जब तुम धीरे धीरे थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाओगे ना, तब जाके उसका इम्पैक्ट फाइनल एग्जाम में दिखेगा। तुम सोचोगे कि आखिरी के एक दो दिन में प्रिपरेशन करके हम पढ़ाई करके पास हो जाएंगे या अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अपना टाइम बर्बाद मत करो, यही मुझे आपसे कहना था।